हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल में, और मैं हूं आपका दोस्त मेहताब आलम। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं काले लिनक्स के बारे में कि काले लिनक्स क्या है। दोस्तों, काले लिनक्स के बारे में सुनते ही लोग घबरा जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आने वाली। आपको बता दें कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहरकैफ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ आएगी, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि मेरे सारे वीडियोस आसान भाषा में होते हैं, आसान शब्दों में होते हैं। अगर आप काले लिनक्स के बारे में पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं तो बिना वक्त ज़ाया किए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज 7, 8, 10, उबंटू, macOS, ये सब सारे क्या हैं? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक उसी तरह काले लिनक्स भी एक OS है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आप सोचेंगे कि काले लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो लोग इसे यूज़ क्यों नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि काले लिनक्स एक एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आम लोग इसे यूज़ नहीं करते हैं, और ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होगा कि काले लिनक्स नाम की भी कोई चीज़ है। जैसा कि हम जानते हैं कि आम लोग विंडोज़ वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन काले लिनक्स को एडवांस लोग यूज़ करते हैं जो एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर जो एथिकल हैकर है वो लोग इसे यूज़ करते हैं। अगर आप एथिकल हैकिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। खैर, हम बात कर रहे हैं काले लिनक्स के बारे में कि काले लिनक्स एक एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हैकर लोग इसे यूज़ करते हैं पेनेट्रेशन टेस्टिंग के लिए। अब आप बोलेंगे कि ये पेनेट्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि पेनेट्रेशन टेस्टिंग में किसी भी नेटवर्क, सर्वर या वेबसाइट की वल्नरेबिलिटीज़ यानी कमियों को ढूंढकर उसको ठीक किया जाए और एक ऐसी सिक्योरिटी सिस्टम बनाया जाए जिससे कोई भी अनजान व्यक्ति हमारे सिक्योरिटी सिस्टम में छेड़छाड़ ना कर सके। सच बोलूं तो पेनेट्रेशन टेस्टिंग कोई एक प्रोसेस नहीं होता है, इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। अगर मैं एक एक करके बताने लग जाऊं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप काले लिनक्स को यूज़ करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पहले आपको ये तय करना होगा कि आपको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। काले लिनक्स एक डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे आप इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि काले लिनक्स का ही एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन है जो खास तौर पर पेनेट्रेशन टेस्टिंग, सिक्योरिटी रिसर्च, कंप्यूटर फॉरेंसिक एंड रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए उपयोग किया जाता है। काले लिनक्स में पहले से ही कई हैकिंग टूल्स बने बनाए मिल जाते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपका टाइम भी बचेगा। अब हम बात करते हैं काले लिनक्स की हिस्ट्री के बारे में। काले लिनक्स को बनाने वाली कंपनी ऑफेंसिव सिक्योरिटी लिमिटेड है। इसके जो मुख्य डेवलपर है वो है मार्टी अहरोनी, डेवॉन क्रेंस और राफेल हर्ट्ज़ॉग। काले लिनक्स को बनाने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपको बता दें कि अभी भी काले लिनक्स पर काम चल रहा है और इसमें नए नए फीचर और टूल को ऐड कर रहे हैं और अपनी तरह तरह की सिक्योरिटी से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। शायद आपको पता नहीं होगा कि काले लिनक्स का नाम पहले काले लिनक्स नहीं था बल्कि बैकट्रैक था। 2013 में बैकट्रैक को बदल कर एक नए वर्जन के साथ काले लिनक्स का नाम रखा गया। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि काले लिनक्स और विंडोज़ दोनों ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब चलिए जानते हैं इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। काले लिनक्स और विंडोज़ में सबसे खास अंतर ये है कि काले लिनक्स को आप फ्री में इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन विंडोज़ को यूज़ करने के लिए आपको ख़रीदना पड़ता है। मैं पायरेटेड विंडोज़ की बात नहीं कर रहा बल्कि ओरिजिनल विंडोज़ की बात कर रहा हूँ। विंडोज़ और काले लिनक्स के कंपैरिजन में विंडोज़ का जो इंटरफेस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जबकि काले लिनक्स का जो इंटरफेस है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जिससे आम लोगों को समझने में थोड़ा वक्त लग सकता है। काले लिनक्स हैकिंग सीखने और हैकिंग करने में इस्तेमाल होती है, जबकि विंडोज़ में ये सब नहीं होता है। और काले लिनक्स में ख़ास बात ये भी है कि काले लिनक्स में ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स फ्री में मिल जाते हैं, इसके लिए आपको तरह तरह की वेबसाइट पर जाके क्रैक वर्जन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जबकि विंडोज़ के लिए पेड सॉफ्टवेयर्स आते हैं। अगर आप उसको क्रैक वर्जन में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको तरह तरह की वेबसाइट पर जाके चेक करना होगा। काले लिनक्स में पहले से ही हैकिंग सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल होते हैं, जबकि विंडोज़ में कोई भी हैकिंग सॉफ्टवेयर्स देखने को नहीं मिलता
और न ही विंडोज के लिए हैकिंग सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं। काले लिनक्स वायरस से बहुत ही ज्यादा सिक्योर होता है, यानी सुरक्षित होता है। इसमें मालवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन्स, वॉर्म्स बहुत ही कम बनते हैं। सच बोलूं तो इसमें कोई एंटीवायरस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरस का खतरा रहता है, इसलिए इसमें एंटीवायरस इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है। जैसा कि आपको पता होगा कि विंडोज 10 चलाने के लिए कम से कम 2GB की रैम होनी ही चाहिए, लेकिन काले लिनक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने पुराने से पुराने कंप्यूटर या लैपटॉप में काले लिनक्स को चला सकते हैं। काले लिनक्स बहुत ही फास्ट चलता है विंडोज के कंपैरिजन में। ये कम ग्राफिकल होता है, इसलिए सिस्टम क्रैश या हैंग होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अब बात ये आती है कि काले लिनक्स लीगल है या इलीगल है। तो मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। अच्छे लोग अच्छा काम करते हैं और बुरे लोग बुरा काम करते हैं। अगर आप बिना किसी का नुकसान पहुंचाए हैकिंग सीखते हैं या हैकिंग करते हैं तो ये लीगल है। अगर आप किसी दूसरे का वेबसाइट की कमियों को ढूंढकर उन्हें बताते हैं कि आपके वेबसाइट के अंदर ये कमी है, आप जल्दी से इसे ठीक कर ले वरना आपका वेबसाइट हैक हो सकता है, तो ये लीगल है। और आपका फायदा भी हो सकता है कि जो वेबसाइट के ऑनर है वो आपको हायर कर सकते हैं वेबसाइट के सिक्योरिटी सिस्टम को देखरेख करने के लिए। लेकिन अगर बिना किसी के इजाजत के किसी के भी कंप्यूटर, वाईफाई या फिर वेबसाइट को हैक करते हैं तो ये इलीगल है। ऐसा करना कानूनन अपराध है। आपके कंप्यूटर के आईपी एड्रेस के द्वारा पुलिस अब तक पहुंच जाएंगी, फिर आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इसलिए इलीगल चीजें ना करें। अगर आपको टेस्ट करना ही है तो आप अपने कंप्यूटर, अपने वेबसाइट पे टेस्ट करें, इससे आप सेफ रहेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं, हमेशा यूनिक वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।